कहते हैं कि अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे एक बार माफी देकर संभलने और जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी माफी उसे ताउम्र नहीं मिल पाती और उस व्यक्ति को पूरे जीवन उस ग्लानि की आग में झुलसना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ एक होनहार क्रिकेटर के साथ, जिसकी बात हम आज के एपिसोड में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी की क्रिकेट श्रृंखला द अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के पूर्व बल्लेबाज दिनेश मोंगिया की। इस एपिसोड में हम दिनेश मोंगिया के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे वो किस्सा जिसका जिक्र हमने टाइटल में किया है। लेकिन उससे पहले दिनेश मोंगिया के प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। दिनेश मोंगिया का जन्म 17 अप्रैल 1977 को पंजाब के चंडीगढ़ शहर में हुआ था। मोंगिया शुरू से ही क्रिकेटर बनने का सपना देखते थे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिनेश ने जी तोड़ मेहनत की और घरेलू क्रिकेट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और अपने बलबूते भारतीय टीम का दरवाजा खटखटाया। दिनेश ने घरेलू क्रिकेट में 48.95 की औसत से शानदार 8,081 रन बनाए। इस दौरान दिनेश ने 27 शतक और 28 अर्धशतक जड़े। दिनेश ने घरेलू क्रिकेट में 13 शतक भी जड़ा। अपने इसी शानदार प्रदर्शन के बल पर उन्होंने कुछ समय बाद टीम इंडिया में जगह बना ली। ये बात है साल 2001 की। ये वो दौर था जब भारतीय क्रिकेट मैच फिक्सिंग की काली छाया से निकलने की कोशिश कर रहा था। टीम से कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों को बाहर किया जा चुका था और टीम की कमान सौरभ गांगुली के युवा कंधों पर थी, जो फिक्सिंग की बातों को पीछे छोड़कर भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे और टीम में जीत का जज्बा भरने की कोशिश कर रहे थे। और इसी क्रम में टीम में कई युवा खिलाड़ी शामिल किए गए थे। इन्हीं में से एक थे दिनेश मोंगिया। दिनेश मोंगिया को 28 मार्च साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अंतरराष्ट्रीय करियर डेब्यू करने का मौका मिला। हालांकि इस मैच में मोंगिया का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन जल्द ही दिनेश ने अपने हुनर का परिचय दिया और उन्होंने अपने 5वें मैच में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार अर्धशतक ठोका और टीम में अपनी जगह मजबूत कर ली। इसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक भी जड़ा। फिर साल 2003 में दक्षिण अफ्रीका में हुए विश्व कप में दिनेश भारतीय टीम का हिस्सा बने। गौरतलब है कि इस विश्व कप में भारत फाइनल तक पहुंचा था, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बाद दिनेश मोंगिया का प्रदर्शन लगातार खराब होता चला गया। फिर टी20 लीग ने भारतीय क्रिकेट में दस्तक दी और साल 2007 में इंडियन क्रिकेट लीग की स्थापना हुई। इस लीग को बीसीसीआई ने मान्यता नहीं दी और इस लीग में भाग लेने वाले खिलाड़ी बीसीसीआई की नजर में बागी खिलाड़ी बन गए। दिनेश मोंगिया भी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक थे। दिनेश मोंगिया इंडियन क्रिकेट लीग यानी कि आईसीएल की चंडीगढ़ लायंस टीम की ओर से खेल रहे थे। बाद में इस लीग को भंग कर दिया गया। दिनेश मोंगिया के लिए साल 2007 मानो बेहद अशुभ साबित हुआ। उन्होंने एक वनडे इंटरनेशनल मैच बांग्लादेश के खिलाफ इसी साल खेला, जो कि इनके करियर का आखिरी वनडे मैच साबित हुआ। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ साल 2006 में वह एकमात्र टी20 मुकाबले में भारत के लिए मैदान पर उतरे थे। यह भारत का पहला टी20 मैच था, जो कि दिनेश के करियर का आखिरी टी20 मैच साबित हुआ। भारत की ओर से खेलते हुए वनडे क्रिकेट में मोंगिया ने 27.95 की औसत से 1230 रन बनाए। वनडे में मोंगिया ने 4 अर्धशतक और 1 शतक जमाया। वहीं एकमात्र टी20 मुकाबले में मोंगिया ने 38 रनों की पारी खेली। उस जमाने में जिस तरह की क्रिकेट खेली जाती थी, उसमें ये आंकड़े ज्यादा खराब नहीं कहे जा सकते थे। फिर भी उन्हें भारतीय टीम से अपनी जगह खोनी पड़ी। अब बात करते हैं उस घटना की जिसका जिक्र हमने टाइटल में किया था। दरअसल आईसीएल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर बीसीसीआई ने बैन लगा दिया था। इससे दिनेश मोंगिया, अंबाती रायडू और हिमांग बदानी जैसे खिलाड़ियों का क्रिकेट करियर अधर में लटक गया। लेकिन 2 साल बाद बीसीसीआई ने अपना रुख नरम करते हुए खिलाड़ियों से प्रतिबंध हटा लिया और उन्हें बीसीसीआई के सानिध्य में लौटने का मौका दिया गया। लेकिन दिनेश मोंगिया के लिए तो मानो क्रिकेट में सब कुछ खत्म सा हो गया था। वे भारतीय टीम में वापसी नहीं कर सके। फिर इसके बाद साल 2015 में उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लौटने के सभी दरवाजे लगभग बंद हो गए, जब न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर लू विंसेंट ने उन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा दिया। दरअसल विंसेंट ने लंदन की एक कोर्ट में बताया था कि दिनेश मोंगिया उस मैच फिक्सिंग गैंग का हिस्सा थे, जो आईसीएल के दौरान मैच फिक्स करती थी। हालांकि दिनेश मोंगिया ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था और दिनेश के खिलाफ ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिला जो उनके मैच फिक्सिंग में लिप्त होने का ठोस प्रमाण दे सके। लेकिन आरोप तो लग ही चुका था। इसे दिनेश काफी आहत हुए। फिर साल 2017 में
में जब भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को मैच फिक्सिंग के आरोपों से बरी किया गया तो दिनेश मोंगिया का भी दर्द छलक पड़ा। उन्होंने बीसीसीआई से माफी देने का अनुरोध किया। दिनेश ने अपील करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि बीसीसीआई मेरे मामले में गौर जरूर करेगा, जैसे अजहरुद्दीन के मामले में किया गया, लेकिन ऐसा ना हो सका। दिनेश बराबर कहते रहे कि उन्होंने कोई फिक्सिंग नहीं की थी और उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला। आईसीएल में कई खिलाड़ी थे जो बाद में भारतीय टीम का हिस्सा भी बने, लेकिन दिनेश मोंगिया ही आईसीएल के ऐसे एकमात्र बदनसीब खिलाड़ी रहे जिन्हें बीसीसीआई से कभी माफी नहीं मिल सकी। और आखिरकार इस दाग के साथ ही दिनेश ने सितंबर 2019 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। नारा टीवी की टीम दिनेश मोंगिया के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहें। साथ ही साथ नारा टीवी के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें ताकि वहां से भी आपको नारा टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।